Hello and welcome to Zee News. This is your host Akash, and today we have with us a special guest named Bindiya Rani Devi, who has won a silver medal at Commonwealth Games 2022 at Birmingham in weightlifting. Congratulations, Bindiya. Thank you so much for joining us. Thank you. तो पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल, वो भी सिल्वर, कैसी है फीलिंग, कैसी है? मैं बहुत बहुत खुश है। मतलब ये मेरा लाइफ का, ये गेम्स मेरा बड़ा बड़ा वाला गेम्स, इसमें मेडल आया, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। और सिर्फ मेडल ही नहीं, आपने रिकॉर्ड तोड़े, अपने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े, अपने गेम्स के रिकॉर्ड तोड़े, उसके बारे में बताइए, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े आपने कल? कल मैंने इसने मेरा 114 भी मैंने क्लीन जंप में रिकॉर्ड बनाया, फिर इधर गेम्स भी और रिकॉर्ड बनाया। मैंने लास्ट टाइम हिमाचल में खेलो इंडिया, वुमेन खेलो इंडिया भी मैंने क्लीन जंप में पहले 114 में रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड में, फिर खेलो इंडिया में 15 में बनाया, इधर आके 16 में बनाया। मैं बहुत खुश हूँ। रिकॉर्ड बनाने की आदत बना ली है आपने, ऐसा बोल ले तो। आपके कल आपका कंपटीशन, इनफैक्ट मैं देख रहा था, और कंपटीशन के जस्ट पहले, जो लास्ट आपका लिफ्ट था, उसके पहले आपके कोच ने आपको एक पेप टॉक दिया, क्या मोटिवेट कर रहे थे वहां पे वो आपको, क्या बात हुई आपके दोनों के बीच में? मतलब मैं तो गोल लेने के लिए फाइट किया, मतलब दूसरा नाइजीरिया लोगों ने मेरे से 6 kg ज्यादा लिफ्ट किया, इसके लिए सालों ने अपने क्लीन जंप में अच्छा करने है। ये मैंने 14 क्लीन जंप पास करेगा तो सालों ने सोचा 18, 19 और 18 भी लेना है, मतलब नजरा ने ओनली 111 क्लीन जंप किया, मैंने 114 करके बाद 18 क्लीन जंप करेगा तो पक्का गोल्ड मेडल आना है, इसके लिए सालों ने अच्छा अच्छा करना है सोच की। वो मोटिवेशनल टॉक से आपको बहुत हिम्मत मिली होगी फाइनल लिफ्ट के पहले। सालों ने बड़ा जोर से बोला, मतलब सालों भी पूरा गोल लेने के लिए पूरा मेरा माइंड में उंगली ऐसे, हाँ मैं करना है ऐसे सोच के। थोड़ा बहुत दुख भी हुआ होगा कि गोल्ड हाथ से छूट गया थोड़े अंतर से। हाँ, 1 kg में गोल चलेगी, इसके लिए थोड़ा कोई बात नहीं, बट वी आर स्टिल प्राउड ऑफ यू। और पहले ही डेब्यू सीजन में ही आपने सिल्वर लाया, किसको डेडिकेट करेंगे आप ये गोल्ड, आप ये मेडल? ये अभी तक मैंने गेम्स में मैं और साई साई टॉप्स और मेरा फेडरेशन और स्पोर्ट्स एप्स ने मेरा 6 महीने के पहले से मेरा ब्रांड्स कपड़ा सप्लीमेंट ऐसे स्पॉन्सर किया, फिर साई टॉप्स के मुझे हेल्प किया और मेरा कोच लोग विजय शर्मा सर और प्रमोद सर, संदीप सर और मेरा रंजन कोच एंड माय फैमिली फ्रेंड्स सबको मैं डेडिकेट करना है। जैसे ही आपने मेडल जीता, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट किया, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो क्या रिएक्शन थी पीएम मोदी के ट्वीट के बाद? मैं बहुत खुश है, मतलब मैं इतना सोती फैमिली से आया, फिर अभी पूरा हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को अभी मेरे लिए विश दिया। मैं अभी सर नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी मैं थोड़ा बिंदिया रानी कौन है, ये कहाँ पे आया, अभी थोड़ा पता चल, इसके लिए मैं बहुत खुश है। नॉर्थ ईस्ट से एक वेट लिफ्टिंग का कल्चर बन गया है, जैसे मीराबाई चानू हो गई, आप हो गई, हाँ तो जी। क्या अलग, कैसे एक ट्रेंड सेट हुआ है, क्या अलग खा रहे हो आप लोग या फिर क्या अलग कर रहे हो आप लोग? ये क्वेश्चन तो अभी तक सब लोग ने पूछे, नॉर्थ ईस्ट में क्या खाना अलग खाया, हम कुछ नहीं खाया, मतलब हम इधर के में आया, वो लोग हम दीदी लोग मतलब दूसरा स्टेट से आया, हम एक साल में ट्रेनिंग किया पटेला में, हम एक साल में खाना पीना सब कुछ आया, ऐसे कुछ नहीं है, हमारे लिए भगवान की कृपा से ऐसे कुछ नहीं अलग नहीं है। सोशल मीडिया ने आपको टर्म किया है मीराबाई चानू 2.0, तो आपकी भी वो इंस्पिरेशन रही होगी, तो क्या बताएंगे आप, क्या कैसे लेते हो आप इस कॉम्प्लीमेंट को? दीदी मेरा
दीदी मेरा और मैं देख नहीं था, तो मैं तो खुश नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ। तो वो लोग ने दीदी मेरा ऐसे हम दोनों ऐसे कंपेयर, मतलब दीदी मेरा 2.0 ऐसे बोले, मैं बहुत खुश है। मतलब मुझे भी दीदी मेरा के जैसे ऐसे मुझे भी अच्छा लिफ्टिंग करना है, फिर ओलंपिक भी, ओलंपिक तक मैं अच्छा लिफ्टिंग करने से बहुत खुश है। आपकी इस जर्नी में जो आपने कॉमनवेल्थ सिल्वर जीता है, उस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, पैंडेमिक उसमें से एक होगा, तो कौन है जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, आपका इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में जो आपके हमेशा बैक करते आ रहा है? ओ ये मेरा घर, मेरा अभी मैं लिव, मेरा स्पोर्ट्स में मेरा फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरा पापा मामा मेरा भाई भैया और मेरा दीदी मेरा सिस्टर और मेरा नाइबर लोग। और मेरा कोरोना के टाइम में मेरे पास एक जिम है दारोबाद, वो लोग ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे लिए। मतलब सब जिम बंद है, साई की जगह भी बंद है, और इसके टाइम तो मैं अकेले के लिए जिम खोला है भैया ने और दाराहुल और दारोबाद, वो लोग ने कोरोना के टाइम से मैंने वो लोग के साथ में ट्रेनिंग करके इंडिया के आया, फिर मैंने इधर अभी इधर पहुंच गई मैं गेम्स, वो लोग ने सबने हेल्प किया। वेटलिफ्टिंग आप सिर्फ 22-23 साल की हो, वेटलिफ्टिंग की एंट्री कैसे हुई आपकी करियर आपकी जिंदगी में, कैसे डिसाइड हुआ कि वेटलिफ्टिंग लिफ्टर ही बनना है? मैं पहले बच्चा के टाइम ताइक्वांडो ताइक्वांडो खेला है, ताइक्वांडो खेलते थे। हाँ ताइक्वांडो, ताइक्वांडो में मैं ब्लैक बेल हो गया, ब्लैक बेल हो गया, दो इंटरनेशनल खेला है और नेशनल भी 2-3 नेशनल मेडल भी लिया। उसके बाद मैंने एवरी कॉम्पिटिशन में मैंने ऐसे देखा मेरा फ्रेंड लोग और दूसरा इससे लोग देखने तो वो लोग हाई तो बहुत लंबा लंबा है, मैं तो थोड़ा छोटा है। उसके मैंने सोचा अभी मेरा लाइफ तो शुरू है, मैं अभी तक कब तक जाना है ताइक्वांडो में, मतलब हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे सोच की मेरा मैंने मेरा कोच को मैंने बात शुरू किया, सर मुझे दूसरा इवेंट में चेंज करना सकता है क्या, ऐसे बोला। सर ने भी परमिशन दिया, हाँ अपना जो भी चाहिए तो करो आपके लिए हम ऐसे ऐसे बोला। इसके लिए मैंने खुद से जाएगा निरंजन सर को बात किया, मेरा घर पे मैंने बात किया, मामा पापा भैया ऐसे मुझे वेट लिफ्टिंग ऐसे चाहिए मुझे, मतलब मेरा हमारा मणिपुर का पढ़ाई में मैनकुंजू का फोटो है इसे देख भी मुझे भी बहुत पसंद आया लिफ्टिंग करने का। इसके मैंने गई उसके बाद लिफ्टिंग शुरू किया रंजन सर की। जरूर जरूर, और वो एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आपके लाइफ का, वहां से अब सिल्वर तक पहुंच गई है, आगे जाके टोक्यो ये ओलंपिक्स आएगा जिसमें आप और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो अगर सपोजिडली आप वेट लिफ्टर नहीं होते, कोई और स्पोर्ट्स में होते, तो कौन सा स्पोर्ट्स होता वो, एक और कोई स्पोर्ट्स जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैं थोड़ा फाइट भी, फाइटर भी पसंद है, बॉक्सिंग फाइट, हाँ बॉक्सिंग और ऐसे ऐसे करने। तो अभी आपको मीराबाई चानू बोल रहे हैं तब आपको मेरी कॉम बोला जाता शायद, 2.0 मेरी कॉम जरूर। ओवरऑल स्पोर्ट्स में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन सा है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपके फील्ड का हो या फिर आउट ऑफ द फील्ड, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, मतलब कभी कभी फ्री की टाइम हम मेरा सिस्टर और मैं बैडमिंटन खेला है। बैडमिंटन प्लेयर कोई पसंद है या फिर बैडमिंटन बस खेलना पसंद है? ओनली ऐसे थोड़ा टाइम पास के लिए ऐसे खेलना, जस्ट टू वार्म अप। अच्छा या या ठीक है ठीक है। और कोई स्पोर्ट्स प्लेयर जिसको आप फॉलो करते हो, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो? स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मतलब हमारा मणिपुर में बहुत फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर है, मतलब मैं मेरी कॉम और कुंजरानी मैम और दीदी संजीता दीदी मीरा, वो लोग देख के मुझे बहुत ताकत आया, मतलब वो लोग ने हम एक स्टेट में आया एक
गांव में आया, मुझे भी वो लोग के साथ ऐसे ऐसे वो लोग के साथ देख देख के मुझे भी अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बनाना है ऐसे सोच। आप हालांकि आप वेटलिफ्टिंग में हो पर आपको डाइट भी फॉलो करना होता होगा, जो एक आपका स्ट्रिक्ट डाइट कोच ने सेट करके दिया होगा, पर कभी कभी चीट मील भी हो जाता है, तो आपका फेवरेट चीट मील क्या होगा जो आप कोच सर से छुपा के या किसी से छुपा के खा रहे हो ऐसा कुछ? नहीं अभी हमारा वेट लिफ्टिंग में दो पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए खाना पीना हम अकेले चुप चुप खाए तो बाद में दो में आएगा तो सब कुछ सबका दुनिया में पता चलेगा, इसके लिए हम ऐसे नहीं किया, मतलब सालों ने के में दिया हमारा सप्लीमेंट ऐसे कुछ वगैरह दिया ऐसे खा के ट्रेनिंग किया हम। तो कोई चीट मील नहीं है आपकी, कोई चीट डाइट नहीं है, एक आध दिन के लिए भी आप कोई अलग फूड नहीं खाते है, जो स्ट्रिक्टली डाइट में वही फॉलो करता है? हाँ सप्लीमेंट में ओनली सालों ने दिया ये खाया, दूसरा अच्छा। तो नहीं खाया, मतलब ऐसे चिप्स ऐसे चीज भी सालों ने मना किया, मतलब लेस कुरकुरे ये भी, तो हम बे के अंदर में दाग के मतलब हमारा वेट लिफ्टिंग तो सालों कभी कभी रूम चेकिंग आया ये आए तो सालों देखने तो हमको गली बोलेगा, इसे सोच के हम बे के अंदर में रख के सैटरडे संडे में हम कभी कभी खाया। जरूर जरूर। और अब कॉमनवेल्थ सिल्वर तो हो गया, अब आगे क्या प्लान है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिंदिया राणा? मैं अभी ये नेक्स्ट में एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है और एशियन गेम्स, उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स जाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिशंस और लेट्स होप नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आए। थैंक यू जरूर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।